कारोबारी हफ्ते का आज दूसरा रोज है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां भी जारी है। आज मार्केट के हवाले से बात की जाए तो मार्केट में नेगेटिव रुझान ज्यादा देखा जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज मार्केट में पॉजिटिविटी देखने में आ रही थी। जबकि 100 इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो हिस्से बाजार के 100 इंडेक्स में आज 200 से ज्यादा पॉइंट की कमी भी रिकॉर्ड की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त कारोबारी सरगर्मियां जारी है, जबकि हिस्से बाजार के 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी भी रिकॉर्ड की जा रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल की इत्तला के मुताबिक 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी जा रही थी। अगर बात की जाए गुज़िश्ता रोज की तो गुज़िश्ता रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई, मार्केट 700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुई। जी हाँ बिल्कुल, बात कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, अयाज राना बिजनेस रिपोर्टर हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बराह रास्त हमारे साथ रोज मौजूद होते हैं। अयाज राना अपडेट कीजिएगा, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में आप मौजूद हैं, जबकि आज नेगेटिव रुझान ज्यादा देखा जा रहा है 100 इंडेक्स में, मजीद क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज है और कल जिस तरीके से और पिछले हफ्ते तेजी देखी गई थी तो मार्केट ने करेक्शन की तरफ जाना था, तो आज 50 से ज्यादा पॉइंट पॉजिटिव भी नजर आए, लेकिन उसके बाद जो है अब मार्केट माइनस 210 पॉइंट्स पे पहुंच चुकी है। लगता ऐसे ही है कि मार्केट जो है आज नेगेटिव जोन की तरफ रहेगी, क्योंकि आज जिस तरीके से वॉल्यूम देखा जा रहा है अभी तक 44 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार हुआ है। काफी मुताद अंदाज में जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो गालिब है आज मार्केट पे, जो लोगों ने पिछले दिनों में जिस तरीके से आज शेयर्स के ऊपर जो इन्वेस्ट किया था वो सेलिंग प्रेशर पे आ गई है, और लगता यही है कि मार्केट पे आज जो है रेड जोन ज्यादा जो है वो तारी रहेगा। जी ठीक है यार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी है, तो इस किसी किस्म का इम्पैक्ट आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे देख रहे हैं, क्रूड ऑयल सेक्टर में या किसी और सेक्टर में? जी इसका कोई भी जो इम्पैक्ट है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं नाजरीन को कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो ट्रेंड्स आज देखे जा रहे हैं उसके अंदर सीमेंट सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, केमिकल्स है, कमर्शियल बैंक है, तो इससे लगता यही है जो ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं जिनके ऊपर प्रेशर है वो तमाम वो ट्रेंड्स हैं जो पिछले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था, वो अब उसको सेलिंग प्रेशर में कल जैसे जैसे मार्केट ने अपना गेन किया तमाम पर, सीमेंट के वो सेक्टर जो कल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पूरा सेक्टर जो था कल सीमेंट सेक्टर का वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करता हुआ नजर आया, तमाम कंपनीज उसमें ग्रीन जोन में थी। आज उसी तरीके से जिन पे कल ज्यादा शेयर्स का वॉल्यूम था जिसमें अटक सीमेंट है, डीजी खान है, फौजी है और लक्की सीमेंट है, ये तमाम तर कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में थे, आज ये रेड जोन में, उसकी वजह यही बन रही है कि जो कल बताया ये जा रहा था कि म्यूचुअल फंड्स की जानेब से और इंटरनेशनल जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने कल सेलिंग जो है बाइंग बहुत अच्छी की थी, तो उसके बाद जो है मार्केट को एक अच्छा सहारा मिल रहा है पिछले दो हफ्ते से, तो इसी तरीके से आज उसके ऊपर प्रेशर है, जो इंडिविजुअल्स हैं और जो दूसरे म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने आज सेलिंग के ऊपर थोड़ा सी तवज्जो दी है, इसके बाद मार्केट आज जो है वो नेगेटिव जोन में नजर आ रही है। जी अयाज राना, क्योंकि आज नेगेटिव है मार्केट, अगर शेयर्स के हवाले से बात की जाए, लोग जो शेयर्स खरीदते हैं जब इस तरह मार्केट में नेगेटिव रुझान देखा जाता है तो लोग अब क्या इम्पैक्ट देखते हैं, वो तेजी से सेल आउट करते हैं अपने शेयर्स या उसको होल्ड करके रख लेते हैं अपने पास? देखिए इस वक्त मार्केट जो है 44,600 के ऊपर जो है वो पहुंच चुकी है, जबकि कल मार्केट जो थी वो 44,700 और 800 के करीब 900 के करीब भी आ गई थी, जिससे लग रहा ये था कि 45,000 को मार्केट टच करेगी। जिस तरीके से मार्केट ने दोबारा से जो करेक्शन किया है तो ये वापस 44,000 के जो है वो पॉइंट्स के करीब और करीब आ गई, और लगता ये है कि मार्केट 44,000 की नफसियाती हद को जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगी और 43,000 तक चली जाएगी। अब देखना यह है कि जिनके मार्केट है उसने करेक्शन किया है और ये उम्मीद भी की जा रही थी कि वहां पे इन्वेस्टर यही कह रहे थे कि माइनस जो है वो होनी थी मार्केट ने, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी नजर आई थी, तो उसकी दूसरी वजह यही बनती है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा प्रॉफिट गेनिंग की तरफ जाते हैं, तो वो प्रेशर जो है वो आज मार्केट से नजर आ रहा है। ठीक है याद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छा रहा, 700 से ज्यादा पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई, बहुत कम ऐसा होता है हफ्ते में, शायद एक आध दिन मुश्किल से ऐसा होता है जब इतनी जबरदस्त तेजी देखी जाए, आज के दिन के हवाले से ब्रोकर्स की प्रेडिक्शन क्या है, आज के दिन कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बहुत मोहताज अंदाजे से जो है आज क्योंकि सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है और अभी तक जो है 44 मिलियन शेयर्स जो है वो कारोबार हुआ है और वो सेलिंग प्रेशर में है,
तो लगता है इसी तरीके से अगर आज मार्केट इसी जो है वॉल्यूम बहुत कम रहा तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर गालिब रहा तो मार्केट, क्योंकि मार्केट है प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, हो सकता है कि आज जो हम मिड डे की अपडेट्स दे रहे हैं और जब मार्केट आगे की तरफ परफॉर्म करे तो उसके ऊपर मार्केट जब इख्तिताम पजीर हो रही होगी तो अचानक से ऐसा देखने में आया है कि मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में चली जाती है। तो आज कहा नहीं जा सकता इस वक्त तक मिड डे के हवाले से कि मार्केट जब बंद होगी तो वो किस जोन में होगी, लेकिन अब तक जो हमारे पास जो जो खबरें हैं उससे यही लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है जिसकी वजह से मार्केट जो है आज थोड़ा करेक्शन की तरफ जाएगी। ठीक है अयाज, और आखिर में हमारे नाज़रीन की दफा फिर अपडेट कीजिएगा कि अब तक मार्केट की ताज़ा सूरत क्या है और कितने मिलियन शेयर का कारोबार हो चुका है। देखिए इस वक्त मार्केट जो है 44,662 पॉइंट्स जो है वो बोर्ड पे देखे जा सकते हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त इससे कबल जब हम अपडेट दे रहे थे तो 210 पॉइंट्स जो है वो माइनस देखे जा सकते थे। मार्केट के अंदर जो है इस वक्त सेलिंग प्रेशर का जो है वो जहां देखा जा रहा है, ट्रेंड जो देखे जा रहे हैं उसमें सीमेंट सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, टेक्नोलॉजी इनकम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज राना, बिजनेस रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के हवाले से।